गाइस, हम सब चाहते हैं हमारी स्किन फेयर, अट्रैक्टिव एंड स्पॉटलेस दिखे, बट विद एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमें कुछ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, लाइक रिंकल्स, फाइन लाइंस, लूज स्किन, एक्ने. इनफैक्ट विद एज ही नहीं, बहुत कम एज में भी हमें इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ पपाया फेशियल, क्योंकि आप घर में बहुत इजीली कर सकते हैं. पपाया में बहुत सारे मिनरल्स, विटामिंस और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी स्किन को ग्लोइंग रखने में बहुत हेल्प करते हैं. पपाया हमारी स्किन को रिजुविनेट करने में और ग्लोइंग रखने में बहुत हेल्प करता है, इसीलिए इसे स्किन के लिए बेस्ट फूड माना जाता है. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पपाया फेशियल. इस पपाया फेशियल के 5 बहुत ईजी स्टेप्स हैं. फर्स्ट हमारा है क्लेंजिंग, सेकेंड है हमारा स्क्रबिंग, थर्ड स्टीमिंग, फोर्थ मसाजिंग एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज फेस पैक. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ ब्यूटी एंड लाइफ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ब्यूटी एंड हेल्थ रिलेटेड वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए. फेशियल स्टार्ट करने से पहले हम पपाया पेस्ट तैयार करेंगे. मैंने ऑलरेडी एक पपाया कट कर लिया है और अब हम इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे. हमारा पपाया पेस्ट रेडी है, तो चलिए फेशियल स्टार्ट करते हैं. फेशियल का सबसे फर्स्ट स्टेप है क्लिंजिंग, और क्लिंजिंग के लिए हम लेंगे 2-3 टेबलस्पून रॉ मिल्क और एक कॉटन बॉल लेकर उसे रॉ मिल्क में डिप करेंगे और अच्छे से इसे अपने फेस और नेक पर रब करेंगे. रॉ मिल्क एक बहुत अच्छा नेचुरल क्लिंजर होता है. इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो हमारी स्किन टोन को लाइटन करता है. इसमें बहुत सारे विटामिंस, मिनरल्स, प्रोटीन्स और एंजाइम्स भी होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं. सेकेंड स्टेप है एक्सफोलिएशन, और एक्सफोलिएशन के लिए हम लेंगे 1 टेबलस्पून पपाया पेस्ट एंड 1 टेबलस्पून सूजी सेमोलिना, और दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे. नाउ जेंटली मसाज करेंगे फॉर 2-3 मिनट्स ऑल ओवर फेस एंड नेक. और अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है या फिर एक्स्ट्रा सेंसिटिव है तो भी आप स्क्रब को इजीली यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही माइल्ड स्क्रब है, आपकी स्किन पर बिल्कुल हार्श नहीं होगा. एक्सफोलिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फेशियल का. ये हमारी स्किन से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और जो लार्ज और ओपन पोर्स होते हैं उन्हें श्रिंक करता है और क्लॉक फ्री करता है एंड ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को भी रिमूव करता है. और थर्ड स्टेप है स्टीमिंग. स्टीमिंग के लिए हमें एक बर्तन में गर्म पानी लेना है और एक फेस टॉवल या फेस नैपकिन. नाउ फेस टॉवल को गर्म पानी में डिप करना है, बट रिमेंबर पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वो उतना होना चाहिए जितना उसको सहन कर सकें. तो आप इसके लिए इलेक्ट्रिक फेस स्टीमर भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं. और अपने फेस को अच्छे से इससे कवर करना है, और आपको ये 5-7 मिनट करना है. स्टीमिंग से आपकी स्किन नेचुरली क्लींस होती है और टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं. वी ऑल नो दैट टॉक्सिन्स आर नॉट गुड फॉर आवर स्किन, बट विथ फेशियल स्टीमिंग टॉक्सिन्स ईजिली और फास्टली रिमूव हो जाते हैं. बिकॉज जब हम स्टीम लेते हैं तो उससे हमें स्वेटिंग होती है, एज अ रिजल्ट हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं और उसमें जो डर्ट और बैक्टीरियाज होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं. और मसाज के लिए हमें लेना है 1 टेबलस्पून पपाया पेस्ट, 1 टेबलस्पून हनी एंड 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और जेंटली मसाज करेंगे अपने फेस और नेक पर. और इस तरह से अपवर्ड स्ट्रोक देते हुए सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है अच्छे से, हमें 10 मिनट तक करना है. ये पपाया मसाज क्रीम इजीली हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है और हमारी स्किन से रिंकल्स और फाइन लाइंस को रिड्यूस करती है और हमारी स्किन को सुपर सॉफ्ट एंड ग्लोइंग बनाती है. नाउ आफ्टर 10 मिनट्स आप बेबी स्पॉन्ज या फिर वेट वाइप लेकर इसे क्लीन कर लीजिए. नाउ हमारा फिफ्थ और लास्ट स्टेप है फेस मास्क और फेस पैक. और फेस मास्क बनाने के लिए हमें लेना है 1 टेबलस्पून पपाया पेस्ट,
1 tablespoon gram flour, 1 tablespoon honey and 1 tablespoon lemon juice. Now इन सबको अच्छे से मिक्स करके अपने पूरे फेस और नेक पर इसे अप्लाई करना है। ये फेस मास्क आपकी स्किन को नरिश करेगा और एक नेचुरल ग्लो लेकर आएगा आपकी स्किन में और आपकी स्किन को लाइटन और ब्राइटन बनाएगा। एंड आफ्टर 15 मिनट्स यू कैन वॉश योर फेस विद नॉर्मल वाटर। और फेस वॉश करने के बाद हमें मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। तो गाइज ये था हमारा पपाया फेशियल। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, बहुत इफेक्टिव फेशियल है, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और ये फेशियल अच्छा लगा होगा। और लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास में नोटिफिकेशन बेल है उसे भी हिट कर दीजिए, जिससे जो मेरे अपकमिंग वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।